अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम आज सूजी का हलवा बनाएंगे, जिसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने लिए हैं, 1 किलो मैंने सूजी ली है, 1 किलो मैंने चीनी ली है। चीनी आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर टेस्ट ज़्यादा पसंद है, मतलब जो लोग कई लोग होते हैं उनको मीठा ज़्यादा पसंद होता है, तो आप इसमें तकरीबन 1.5 किलो चीनी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने मिल्क लिया है, छोटी इलायची मैंने यहाँ पे ली है 5 से 6, अंडे लिए मैंने 2 लिए थे, उसको बॉईल करके स्लाइस काट लिए थे उसके, या बादाम लिए मैंने 1 कप, और कोकोनट लिए मैंने 1.5 कप लिया। कोकोनट मैंने घर में कद्दूकश की थी, आप लोग बाहर से भी मंगवा सकते हैं, मुझे बाहर की नहीं पसंद क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रीक होती है, ये इसका टेस्ट ज़रा अच्छा आता है। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम हलवे के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी तैयार करने के लिए पानी जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है जितनी हमारी सूजी थी, सूजी मैंने आपको 1 किलो बताई थी, तो पानी आप 2 लीटर ले लें, डबल लेना है। अब मेरा इस बर्तन के हिसाब से मैंने सूजी को नापा था, तो आप इसी बर्तन के हिसाब से एक डबल पानी ले लीजिएगा। तो पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, यह आप देख सकते हैं पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब ये जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा और, तो हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। अब इसको बॉयल आ गया था, मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी, शुगर मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 किलो लिया है। अब हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। यहाँ पे हमने इसकी जो चाशनी थी वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, बस ये कि इतना के जो हमने शुगर ऐड किया वो डिज़ोल्व हो जाए इसमें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पानी ऐड किया था, बस इसमें जो है वो शुगर हल हो जाए। अब हम अपनी जो सूजी है उसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम 1/2 किलो घी लेंगे, वो ऐड करेंगे। मीठा हमेशा घी में बनाना चाहिए, इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप ऑयल में बनाएंगे तो उसका जो अरोमा, जो उसकी स्मेल है वो इतनी अच्छी नहीं होती। अब हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। अब हमने इसमें इलायची ऐड कर दी है, तो इलायची को बस हमने इसमें 3-4 बार हिलाना है कि इलायची का जो कलर है ना वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इतना के मतलब उसका स्मेल जो है वो आ जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलायची डाली थी उसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें अपनी सूजी ऐड कर देंगे। अब सूजी को हम भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि मतलब इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे सूजी को भून रहे हैं। तो यहाँ पे जो सूजी और हमने घी ऐड किया था, सूजी ने घी छोड़ दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस वजह से इसका टेक्सचर इस तरह का है, और यहाँ पे सूजी जो हमारी है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसको 10-15 मिनट तक और करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसका कलर जो है वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सूजी का कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से पहले हम इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ा लो कर देंगे, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम पे हम लोग पानी ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा भाप उड़ेगी, तो इस वजह से अब हम इसकी आंच जो है वो थोड़ी कम करेंगे और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी जो हमने चाशनी बनाई हुई थी वो ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी मैंने इसकी आंच जो है वो कम की हुई है, फिर भी ये देख सकते हैं आप लोग कि किस। अब हम जो इसकी आंच है वो तेज़ कर देंगे और इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे। इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि जो पानी में इसकी चाशनी में सूजी की गुठलियाँ ना बने। कलर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा आया है।
हम इसमें कोकोनट का बुरादा ऐड करेंगे, हाफ हम इसमें अभी ऐड कर देंगे, हाफ हम गार्निश के लिए रख देंगे। बादाम ऐड करेंगे, हाफ अभी ऐड कर देंगे, हाफ बाद में ऐड करेंगे। दूध जो हमने एक कप लिया था वो ऐड करेंगे। इसको साथ साथ हिलाते जाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। तो यहाँ पे जो चाशनी हमने ऐड की थी वो हल हो चुकी है इसमें अच्छे तरीके से। साइड्स पे आप देख सकते हैं, साइड्स पे आप देख सकते हैं कैसे ऑयल आ गया है जो हमने घी ऐड किया था। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हलवा निकाल लिया था, अब इसके ऊपर हमने जो भी गार्निश करनी है वो करेंगे। सबसे पहले हम कोकोनट का बुरादा डालेंगे इसके ऊपर। अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। अब जो अंडे बॉईल किए थे अब हम इसके ऊपर वो गार्निश करेंगे। यहाँ पे जो हमारा सूजी का हलवा है मज़ेदार सा रेडी हो गया है। आप इसे बारिश का मौसम हो तब भी इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत मज़े का बनता है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।